नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आज हमने लाए हैं आप लोगों के लिए मतलब डायबिटीज लोगों के लिए खीर लाए हैं। उन लोगों का भी मन करता है खीर खाने के लिए, उन लोगों की भी चाहत होती है खीर खाने के लिए। शुगर की वजह से वो खा नहीं पाते, इसलिए आज हमने लाए हैं डायबिटीज लोगों के लिए खीर, और हेल्दी भी। डायबिटीज लोगों की सेहत नज़र में रखते हुए मैंने ये खीर बनाई हूँ। आइए दोस्तों, बनाते हैं और इसका मज़ा डायबिटीज लोगों को देते हैं। उन लोगों के सेहत के मुताबिक हमने ये खीर बनाया है, उन लोगों के लिए फायदेमंद है। आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, और एक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब डायबिटीज लोग खा सके खीर और खीर का मजा ले सके। जाते जाते एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई रेसिपी जानने के लिए। एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में 2 कप सूजी ले रहे हैं हम। आप चाहे तो अपने हिसाब से ले सकते हैं, हमें बस एक सूखे कढ़ाई में सूजी को फ्राई करना है। बिना ऑयल में हम इस सूजी को फ्राई कर रहे हैं। हमने यहाँ पर घी भी सूजी कुछ भी नहीं डाले हैं, हमें बस यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं 10 मिनट तक। अभी इसमें घी डाल रहे हैं, घी तो स्पून से निकल नहीं रहा है, बस कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने 1 टेबल स्पून घी लिए हैं। अब ये घी से हम सूजी को फ्राई करेंगे। 10 मिनट फ्राई करने के बाद हम घी डाले हैं ताकि इसका अच्छा टेस्ट आता है। देखिए दोस्तों, हमने सूजी को घी से अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लिए हैं। हमारा फ्राई अच्छे से हो गया है। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। हम सूजी को प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, अच्छे से हमने इसको फ्राई किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टेप, उसी कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून ऑयल लेते हैं या घी, जो लेना चाहे तो ले सकते हैं। उसी कढ़ाई में हम अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं ब्राउन होने तक। आप चाहे तो आलमंड भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर डायबिटीज लोगों के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए हैं, बस 10 ग्राम लिए हैं। ये ब्राउन होने के बाद अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। उसी कढ़ाई में एक तेज पत्ता लेते हैं। अब इसमें 2 कप पानी ले रहे हैं, 1 कप हो गया और 1 कप पानी ले रहे हैं। अब इसको कवर कर लेते हैं 10 मिनट तक ताकि इसका उबाल आ जाए। देखिए दोस्तों, ये उबाल आ गया है। अब इसमें सूजी को डालेंगे। धीरे धीरे करके हमें यहाँ पर सूजी को डालना है और अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है ताकि कुछ गांठ न रह जाए। हमें गांठ के लिए बस मिक्स करते रहना है। एक हाथ में डालेंगे, एक हाथ में मिक्स करेंगे। 5 मिनट तक इसको कवर कर लेते हैं ताकि अच्छे से पक जाए सूजी। देखिए, सूजी भी पक गया है। अब इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रहे हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी तो सूख गया, इसलिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा 1 कप पानी दिए हैं। मिक्स करके अब इसको कवर कर लेते हैं। सूजी का उबाल आ रहा है, देखिए कितने अच्छे से। 5 मिनट हो गया है, देखिए हमारा सूजी तो अच्छे से पक गया है। अब इसमें मिल्क को डालेंगे। हमने यहाँ पर 2 टोन मिल्क लिए हैं। आप लोगों को पता होगा डायबिटीज लोगों के लिए 2 टोन मिल्क अच्छा होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 टोन मिल्क लिए हैं। अब ड्राई फ्रूट्स को डाल रहे हैं। अब ये सब को मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके कवर कर लेते हैं 5 मिनट तक। हमारे डायबिटीज सूजी की अब रेडी है। अब इसमें छोटी इलायची के पाउडर को डाल रहे हैं। आइए दोस्तों, डायबिटीज लोगों को खिलाते हैं। हमने यहाँ पर 2 टोन मिल्क जो डाले हैं, ये सेहत के लिए अच्छा होता है डायबिटीज लोगों के लिए। आइए इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। डॉक्टर भी प्रेस्क्राइब करते हैं, डायबिटीज लोगों के फूड चार्ट में भी होता है, सूजी जरूरी है उन लोगों के लिए। आइए दोस्तों, खिलाते हैं और उनका सेहत का ख्याल रखते हैं। जाते जाते एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नई नई रेसिपी जानने के लिए। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।